सीरियल गुम है किसी के प्यार में का 2 अक्टूबर को टेलीकास्ट होने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार साबित होने वाला है। जी हाँ, 2 अक्टूबर यानी कि रविवार रात 8:30 बजे आपको गुम है किसी के प्यार में अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर नजर आएगा। इससे पहले कि इस एपिसोड से जुड़ी कोई अपडेट हम आपको दें, गुड न्यूज दिए चलते हैं। दरअसल स्टार प्लस के सभी शो अब आपको रविवार से शनिवार तक देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि एंटरटेनमेंट का डोज आपको पूरे हफ्ते अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखने के लिए मिलेगा। फैंस वाकई में बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं और इस पूरे नए सफ़र की शुरुआत सभी सीरियल्स की इसी रविवार से होने जा रही है। तो चलिए, गुम है किसी के प्यार में रविवार के दिन क्या होगा खास बताते हैं। दरअसल विनायक ने डॉक्टर आंटी से ही अपना इलाज करवाने की जिद पकड़ ली है, जिसकी वजह से सई आ चुकी है हॉस्पिटल। अश्विनी से जब सई का सामना हुआ तो अश्विनी ने उस पर बहुत गुस्सा किया, उस पर खूब नाराज़गी जताई। यहाँ तक कि च्यवन परिवार में जितने भी हादसे हुए, जो कुछ भी वक्त खराब रहा, उसका सारा इल्ज़ाम अश्विनी ने सई पर डाला। सई को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि अश्विनी आई, सई को जिंदा देखकर ज़रा भी खुश नहीं है। और इसके बाद निनाद कोशिश करते हैं सई की साइड लेने की, लेकिन अश्विनी उन्हें भी चिप कर देती है। वहीं दूसरी ओर अब विनायक का इलाज करने के बाद सई एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है विनायक की बीमारी से जुड़ा। जी हाँ, विनायक के घुटनों में जो प्रॉब्लम है वो बचपन से ही है, वो बचपन से ही नहीं चल पाता है। ऐसे में कई डॉक्टर्स ने विनायक का इलाज किया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब सई लगातार विनायक के साथ रहते हुए उसके घुटनों का इलाज करेगी तो ये जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होता नज़र आएगा। जी हाँ, डॉक्टर सई अब विनायक को यानी पाखी और विराट के बेटे को एकदम परफेक्ट बना देंगी, चलने फिरने में खूब अच्छा बना देंगी। तो रविवार का जो ये एपिसोड है अपने आप में बहुत ही शानदार होने वाला है, तो इंतज़ार रहेगा शो में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।